एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखेंगे बुआ। नीचे दिए गए चित्र से निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चित्र दिया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, देखो इसी प्रकार फिगर में भी दिया हुआ है चित्र ए बी सी है ना। ई भी तेरा दिया, ए भी तेरा, ए सी भी तेरा, ए सी सी ए सी तेरा, ए भी तेरा और यहाँ कौन भी थीटा दिया हुआ है, बी सी पूरा थीटा दिया हुआ है 10। हमको निकालना है क्या है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, माने थीटा चाहिए हमको ना। थीटा के सामने पी होता है, ए बी होता है, बी आई क्या होता है तो क्या ये बताओ तो हुआ ये 10 है, पूरा ये 10 नहीं है 10 है तो क्या हम ले सकते हैं इसको, ये 5 है, ये 5 कर सकते हैं, पूरा ही 10 है, बी से लेके सी तक कितना है हुआ 10 है ना। और ये इसको नाम दे दो ए बी सी, आई इसको बोल दो क्या डी है ना, ध्यान देना। तो इसको 5-5 कर दिए, कर सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दो किसी भी चलेंगे, इससे चलेंगे, इससे नहीं चलेंगे, इससे कहाँ चलेंगे, वो हमको काले की ओर निकालना क्या ठीकठाक चाहिए, तो इसी से नहीं चलेंगे, इस त्रिभुज से चलेंगे ए डी बी, त्रिभुज चलेंगे ए डी डी में, ए डी बी में है ना, ए बी डी में। तो बताओ दुआ 90 डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री है तो 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो पहले, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय 90 के सामने कर्ण होता है तो एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर क्या होता है एडी का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर के योग के बराबर एन होता है बुआ है ना। एबी कितना है रे, एबी कितना है 13 ने, 13 का स्क्वायर, एडी कितना, एडी निकालना नहीं है और बीडी कितना है हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, एडी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 प्लस में इधर आएगा हुआ माइनस में हो जाएगा ना आई एडी स्क्वायर है ना। बताओ 144 ने इधर हो जाएगा एडी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा रूट में होगा ना हुआ 144 के वर्गमूल 12 होगा ने, तो AD कितना निकल गया हुआ 12 निकल गया, AD हो गया आपका 12। पता है इसके सामने थीटा के सामने है ना, ये हो जाएगा P, आई हो जाएगा B है ना, इसके सामने 90 के सामने ये छोटा है तो हमको निकालना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा। चलो निकालो sin थीटा पहला ये नहीं है, ये भी निकालो sin थीटा, sin थीटा का सूत्र होता है P बटा h, P कितना है देखो तुम 12, H कितना है 13, बताओ D में है क्या cos थीटा निकालना है, D बटा H होता है सूत्र, D कितना है हुआ 5, और H कितना है 13, और C tan थीटा, tan थीटा सूत्र होता है P बटा T, बताओ देख 12, और B कितना है आपका हो गया ध्यान, इसी का 5 का दूसरा फिगर का निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, फिगर दूसरा है तो ध्यान दो फिगर पर थोड़ा सा, ये देखो इसमें ध्यान देना हुआ x y z, x y z ठीक है ना। तो इसमें जो है अगर x m z में निकालना देखना है, x m z में इसमें दो गो दिल है ना, दो गो दिया हुआ है ना, ये निकालना है तो हमको लगता है सबसे पहले चलो x m z से, x m z से का दो गो दिया हुआ है निकल जाएगा, लेकिन अगर x m y में चलेंगे तो ए को दे रहा है लेकिन दो को निकालना है होगा, अगर दो को दे रहे तीसरा निकालना आसान है लेकिन ए को दे रहे तो दो को निकालना बहुत कठिन है, निकाले है ना। तो इसलिए सबसे पहले इससे चलो x m z से है ना, तो यहाँ पर देखो बुआ 90 डिग्री है बुआ है ना,
तो चलेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। हुआ ये कर्ण है, इसका स्क्वायर में से इसको अगर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर एक्स जेड का स्क्वायर में से एम जेड के स्क्वायर को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा एक्स एम, निकल जाएगा कि नहीं, है ना। तो ध्यान दो एक्स एम टाइट के एक्स एम बराबर रूट अंडर होगा कि नहीं, एक्स जेड का स्क्वायर और माइनस एम जेड का स्क्वायर, है ना। जैसे एच, जैसे हमको मान लो कि p निकालना है तो p निकालने कैसे निकालता था, h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा देते थे, n कर देते थे, तो ऐसे कर रहे हैं बुआ। ये देखो ये कर्ण है तो h xz के स्क्वायर में से mz के स्क्वायर को घटा दिए तो x m ने निकल जाएगा, x m बराबर रूट अंडर xz, समझना xz कितना है 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर mz है 16, 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 416 का स्क्वायर 256 और घट कर आएगा 144 और वर्गमूल हो जाएगा 12, हो जाएगा ना, ये हो गया आपका 12। अब इसमें भी अब दो को मालूम हो गया, अब तीसरा निकालना बहुत आसान है कि नहीं। अब चलेंगे बुआ त्रिभुज एक्स एम बारे में, है ना, पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज एक्स एम बाई में, ठीक नहीं, में ऐसे वही कोई दिक्कत नहीं, एक्स एम बाई से। अब इससे चलेंगे हुआ एक्स एम बाई से, ध्यान दो अगर निकालना है हमको एक्स बाई निकालना, एक्स बाई बताइए कर्ण है एच नहीं है, तो एच क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर भी होता है और वैसे भी होता है, एच होता है रूट के अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, और प्लस एम बाई का स्क्वायर होगा कि नहीं, एक्स एम, एक्स एम कितना है 12 ने, 12 का स्क्वायर और एम बाई कितना है 5 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144, 25, 169 वर्गमूल कितना होता है बुआ 13, ये आपका हो गया 13, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकालना है ने? तो थीटा से चलेंगे ना, इसके सामने P, I, B और 90 के सामने H, तो फिर करना है ना, ध्यान दो। तो हमको निकालना है sin थीटा, sin थीटा होता है p बटा h, p आपका कितना है p बटा h, सूत्र ले देते हैं p कितना है 5, h कितना है 13, है ना। b में है हुआ cos थीटा, cos थीटा का सूत्र होता है b बटा h, b कितना है आपका 12, h कितना है आपका 13, और c में tan थीटा b बटा b होता है सूत्र, हुआ p आपका कितना है 5 और बी है 12, 5 बटा 12, ये आपका आंसर नोट कर दो। सिक्स नंबर सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो क्यू है वो क्या है एक समकोण है, समकोण का मतलब समझते हैं 90 डिग्री को बोलते हैं, पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है, यदि कोण पी अल्फा और कोण आर क्या है बीटा है ने? तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा टैन बीटा, ध्यान रखो त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, है ना, पी क्यू आर, तो क्यू इसमें क्या का समकोण है, तो क्यू इज 90 है ना, समकोण इसी को बोलते हैं 90 डिग्री को समकोण, लिख दिया क्यू और यहाँ पी हो जाएगा ये क्यू 3, हाँ हो सकता है ये ना, पी क्यू 3 हो गया,
क्यूआर चार, चार हो गया। और यदि कोण पी, कोण पी जो है हुआ अल्फा है और कोण आर क्या है हुआ बीटा है आपका। थोड़ा सा ढंग से, कोण आर जो है बीटा है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें ध्यान दो, हुआ दो चीज दिया हुआ है, पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या पी आर में निकालना है, पी आर देखो निकालना है, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस परमेय, हाँ पाइथागोरस परमेय से, परमेय ध्यान दो। अच्छा पी आर हमको निकालना है, क्या निकालना है पी आर, तो पी आर कैसे निकलेगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर क्यू के बराबर यही होता है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यही करेंगे, पी क्यू कितना है हुआ तीन, तीन का स्क्वायर कर देंगे, क्यू आर चार है तो चार का स्क्वायर कर देंगे हुआ, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह और जोड़ के कितना आता है पच्चीस, वर्गमूल कितना हो गया पांच, यही हो गया आपका पांच, कोई दिक्कत है। अब हमको चाहिए साइन कॉस टेन, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा, ध्यान दो साइन अल्फा पहले निकालते हैं और कॉस अल्फा टेन अल्फा, सूत्र लिख दो, पी बट्टा एच, बी बट्टा एच और पी बट्टा अल्फा से चलेंगे ना, इसके सामने अल्फा के सामने पी आई हो जाएगा आपका बी, नब्बे के सामने एच, अल्फा वाला पूरा लिख लो बताओ, पी बट्टा एच देख के बताओ चार बट्टा पांच होगा ने, और बी बट्टा एच देख के बताओ बी बट्टा एच तीन बट्टा पांच, और पी बट्टा बी देख के बताओ चार बट्टा तीन, आप अल्फा अति लिख देते हैं बीटा वाला, साइन बीटा कॉस बीटा और एक टैन बीटा, यहाँ पर सूत्र होता है पी बट्टा एच बी बट्टा एच होता है ना, पी बट्टा पी, तो बीटा से चलना है, किससे चलना है बीटा से, तब इसको समाप्त है, अब देखो ये बीटा के सामने पी आई हो जाएगा बी होगा ने, अब ध्यान दो पी बट्टा एच देख के बताओ, अब इससे तीन बट्टा पांच, पांच बी बट्टा एच देख के बताओ चार बट्टा पांच, अब पी बट्टा बी तीन बट्टा चार, चलो नोट करो बोल, ध्यान दो क्या निकालना है टैन थीटा, ध्यान दो चलेंगे साइन थीटा से चार बटा पांच। अच्छा साइन थीटा का सूत्र हम बताए थे क्या होता है पी बटा बी एच, तो यहाँ ध्यान दो तो बी का जरूरत है ने, तो बी निकालना है, बी कैसे निकलेगा एच का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर घटने जाएगा हुआ है ने, तो बी बराबर रूट अंडर एच, एच कितना है हुआ पांच, का पांच का स्क्वायर बी कितना, पी कितना है चार, चार का स्क्वायर पांच का स्क्वायर पच्चीस, चार का स्क्वायर सोलह, पच्चीस में से सोलह किया नौ, वर्गमूल कितना हो गया आपका तीन, बताओ क्या निकालना है cos थीटा ना, cos थीटा क्या होता है सूत्र b बटा h होता है, b कितना है आपका तीन, h कितना है हुआ चार, पांच और tan थीटा क्या निकालना है हुआ tan थीटा, tan थीटा सूत्र होता है p बटा b, p आपका कितना है रे चार, और b कितना है आपका तीन, ध्यान दो हुआ सात का दूसरा है साइन ए तीन बटा चार है, और ज्ञात करना है क्या कॉस से और टेन निकालना है ना, तो चलते हैं साइन ए दिल है हुआ कितना तीन बटा चार,
किसका सूत्र होता है पी बटा एच, अब किसका जरूरत है बी का, है ना बुआ, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं जी, है ना, तो एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर को हटा देंगे तो बी का बी निकल जाएगा, बता एच कितना है चार और पी कितना है तीन, चार का स्क्वायर 16 और तीन का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, नया निकलेगा, ये कैसी संख्या बताओ, अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या अपरिमेय संख्या, ध्यान देना, कौन से निकालना है b / h होता है इसको, b कितना है देख के बता, √7 और h कितना आता है 4, tan a p / b होता है सूत्र, p / b बताओ होगा p कितना है आपका 3 और b कितना है √7, यहां ध्यान दो क्या sin थीटा देने है 3/5, बता p / h में होता है सूत्र और b क्या होता है b root under, देखो ये तो है सूत्र हुआ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कर देंगे है ना, तो h कितना है हुआ 5, 5 का स्क्वायर और p कितना है हुआ 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, वर्गमूल हो गया 4, बता निकालना क्या है cos थीटा b / h में होता है b कितना है आपका 4, h कितना है 5 और tan थीटा निकालना, p / क्या होता है b, आपका कितना हो गया बुआ b हो गया 3 और b कितना हो गया 4, नोट कर लो तो लाए दो भैया हम बता दो, नौ नंबर है cos थीटा 4/5, cos थीटा कितना दे ले हुआ 4/5 और निकालना क्या है tan थीटा ने, तो यहां देखो cos थीटा का सूत्र क्या होता है b / h, p का जरूरत है p कैसे निकलेगा √ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 गया 9, वर्गमूल 3, निकालना क्या है tan थीटा, क्या निकालना है tan थीटा, क्या होता है p / b, b कितना है 3 और b कितना है वो 4, ये आपका आंसर है, ध्यान दो ये tan थीटा कितना दे रहे 3/4, 3/4 सूत्र होता है p / b, निकालना क्या है h, वर्ग अति h का सूत्र क्या होता है p स्क्वायर प्लस क्या होता है वो b स्क्वायर, p कितना दे रहे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा b कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को क्या होता है 25, वर्गमूल क्या होता है 5, निकालना क्या है cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा का सूत्र क्या होता है b / h, b कितना है हुआ ध्यान दो 4, h कितना है 5 और निकालना क्या है sin थीटा, sin थीटा का सूत्र क्या होता है p / h, p कितना है आपका 3, h कितना है 5, ये हो गया, देखो हुआ 10 का दूसरा tan a 4/3 में है, tan a 4/3 क्या होता है सूत्र p / b, लेकिन सबसे पहले ध्यान दो ज्ञात करना है क्या, और a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, sin cos tan cos x से cos है ना, लेकिन जिसने एको tan तो दिल ने है तो पांचवा गुण बचा, सबको निकालना है बारी बारी से, तो सबसे पहले तो निकालो ने tan a 4/3 p / b होता है सूत्र, तो h निकालना है ना, h कैसे होता है आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है आपका, होता है ना, b आपका कितना हो गया रे 4, 4 का स्क्वायर और b हो गया आपका 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है हुआ 9, 16 9 कितना होता है 25, वर्गमूल कितना होता है 5, ए नहीं लिखो रे, नहीं लिखो इधर ध्यान दो, अवान त्रिकोणमितीय अनुपात ने कहा है तीन लिख दो ने, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखो साइन ये वाला बोला है तो साइन इज पी / एच होता है सूत्र, पी बताओ कितना होता है, पी हो गया 4 और एच हो गया 5, cos b / h, b कितना हो गया आपका हुआ 3, h कितना हो गया 5, tan तो देख रहे हैं, tan निकाल देखेंगे, tan
अब कौ से क्या हुआ, कौ से क्या होता है, एच बटा तीन होता है तो पांच बटा चार, क्रॉस का होता है सेक, माने कॉस एक सेक, सेक हो गया हुआ एच बटा डी होता है ना, तो एच कितना हो गया पांच और बी हो गया तीन, तो साइन कॉस टेन तो दिल है तो कॉस एक सेक, एक कॉट बचा कॉट ए, तो कॉट ए इसी को उलट दो, बी बटा पी होता है ऐसे सूत्र होता है तीन बटा क्या देगा चार, अब ई निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बारह बटा पांच है हुआ, तो सूत्र होता है बी बटा पी, एच निकालना है, एच कैसे निकलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हुआ ध्यान दो पी कितना है रे पांच का स्क्वायर और बी हो गया बारह का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस, एक सौ चौवालीस पच्चीस एक सौ उनहत्तर, ये हो गया आपका तेरह, निकालना क्या है साइन थीटा, सूत्र होता है बी बटा एच, बी हो गया आपका पांच, एच हो गया आपका तेरह, ये हो गया आपका आंसर।